उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि छजलेट थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरा निवासियों द्वारा सर्वसहमति से गांव में खाली स्थान पर छोटी सी जगह पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उस प्रतिमा के अनावरण के लिए हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी को बुलाया गया था। प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के पश्चात पदाधिकारी ग्राम वापस चले गए थे एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजनीतिक विद्वेष के कारण हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित कुमार ने सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा धारा 268 447 IPC (2/3) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया गया है, जिससे समाज में संगठन में अत्यधिक रोष व्याप्त है एवं सभी पदाधिकारी ज्ञापन के माध्यम से हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के विरुद्ध राजनीतिक विद्वेष के कारण पंजीकृत किए गए मुकदमों को समाप्त कराए जाने की मांग करता है एवं मांगे पूरी न होने पर हिंदू युवा वाहिनी जिला मुरादाबाद एवं प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। एवं जानकारी देते हुए हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने DM साहब को एक ज्ञापन दिया है। बाबा साहेब की जयंती पर कुछ दिन पूर्व ग्राम छज्जूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित और वहां के प्रधान जी के नेतृत्व में एक मूर्ति की स्थापना प्रशासन की देखरेख में की गई थी, जिसमें मौके पर SDM साहब, इंस्पेक्टर साहब, CO साहब भी मौजूद थे। उसके बाद इन लोगों ने मोहित जी के खिलाफ एक नोटिस जारी किया ग्राम प्रधान और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कि आप इस मूर्ति को हटवाओ, अन्यथा हम इस पर मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने इस ओर तत्काल मुकदमा लिख दिया है। आज हमने DM साहब से मांग की है कि यह मुकदमा वापस लिया जाए, अन्यथा हिंदू युवा वाहिनी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज SDM साहब ने हिंदू युवा वाहिनी पर मुकदमा लिखकर जो हरकत की है, इसको हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए SDM साहब भूल चुके हैं कि UP में फिर से भगवा लहरा चुका है, हिंदू समाज एक हो चुका है। सर, क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा, जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे आज आपके? ये ऐसा हुआ, हम लोगों ने एक DM साहब को ज्ञापन दिया है अभी बाबा साहब की जयंती पर, उस दिन पूर्व में एक ग्राम छज्जूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी एवं वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके नेतृत्व में एक मूर्ति की स्थापना प्रशासन की देखरेख में की गई, जिसमें मौके पर SDM साहब भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, CO पार्टी में वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद इन लोगों ने एक नोटिस जारी किया मोहित जी के खिलाफ में और ग्राम प्रधान और बाकी 6-7 लोग और रहे, बाकी कुछ लोग अज्ञात में, कि आप इस मूर्ति को हटवाओ और अन्यथा हम इस पर मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने इस पर तत्काल मुकदमा लिख दिया है और आज हमने DM साहब से अपनी मांग रखी है, ये मुकदमा एकदम तुरंत कैंसिल होना चाहिए, वरना हिंदू युवा वाहिनी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति थी वो, तो हाँ, स्थापित की गई थी वो जयंती के उपलक्ष्य में। SDM जगमोहन गुप्ता जी हैं, जो कि कांटा SDM है। और हिंदू युवा वाहिनी आपत्ति ये दर्ज कराई है क्योंकि बाबा साहब जो है वो संविधान के रचयिता हैं, वो हमारे आदर्श हैं और हर व्यक्ति उनको आदर्श मांगता है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या आम जनता हो। और आज जो SDM साहब ने जो ये हरकत की है हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष जी पे मुकदमा लिखकर, इसको हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से बात करेंगे और पूज्य महाराज जी तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आज वो भूल चुके हैं SDM कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः भगवा लहरा चुका है, समस्त हिंदू समाज एक है, क्योंकि हिंदू समाज ने एकजुट होकर पूज्य महाराज जी को वोट दिया है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी आज भी समाजवादी मानसिकता के हैं, जो आज भी ये विचारधारा रखते हैं, अंग्रेजों की जो विचारधारा थी कि कभी भी दलित समाज को एक ना होने दिया जाए, क्योंकि आज हिंदू समाज एक हो चुका है, इसको लेकर आज भी कई लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोषी मानेंगे आप? मैं SDM साहब ने अपनी मर्जी से मुकदमा लिखवाया है। क्या नाम है? जगमोहन गुप्ता जी, कांट जो ये कांट SDM है और लेखपाल। पुलिस ने उसमें उनके आदेश के अनुसार मुकदमा लिखा है और SDM साहब ने उसमें खुद पार्टी बने हैं, उनकी तरफ से मुकदमा लिखाया गया है। हिंदू युवा वाहिनी ने DM साहब से ये मांग की है मुकदमा तत्काल रूप से कैंसिल किया जाए, अगर ये मुकदमा कैंसिल।